अगली खबर में बात करते हैं सतना की, जहां जीआरपी ने अंतरप्रांतीय वाहन लुटेरों के 6 गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर सतना से लूटी गई एक कार जब्त की गई है। इसके पहले भी इन्हीं बदमाशों ने एक इंडिका कार भी सतना स्टेशन से टैक्सी के तौर पर बुक कराकर लूटी थी, जबकि यूपी के बदोही में सरिया से लोड ट्रैक की लूट को अंजाम दिया था। जीआरपी चौकी सतना के प्रभारी सब इंस्पेक्टर जीपी त्रिपाठी ने बताया कि सतना रेलवे स्टेशन से अर्टिका कार नंबर MP19CA8028 की लूट के मामले में 6 आरोपियों को यूपी के औराई थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई कार भी जब्त कर ली गई है। पकड़े गए आरोपियों में बब्बल शर्मा उर्फ शिवांशु पिता आलोपी शंकर शर्मा निवासी सहमत मेजा रोड प्रयागराज, अंकित सिंह पिता दया शंकर सिंह निवासी चंदापुर हामौरा, कृष्ण कुमार उर्फ सचिन शर्मा पिता अरुण शर्मा निवासी सहमत आदर्श उर्फ शुभम रॉय पिता तेज बहादुर राय निवासी औता मेजा रोड, मोनू तिवारी उर्फ मोना पिता ओम प्रकाश तिवारी निवासी मोहारी औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज और राहुल मिश्रा पिता हौसिला प्रसाद मिश्रा निवासी सहमत मेजा रोड प्रयागराज यूपी शामिल है। जीआरपी ने बताया कि आरोपियों ने 14 जून 2022 को सतना रेलवे स्टेशन पहुंचकर मैहर जाने के लिए अर्टिका बुक की थी। गाड़ी के सतना नदी के आगे निकलते ही एक आरोपी ने उल्टी आने की बात कहकर गाड़ी रुकवाई और फिर ड्राइवर राघवेंद्र उर्फ रज्जन पांडे निवासी हरदी बैकुंठपुर रीवा की पिटाई कर उसे बंधक बना लिया। ड्राइवर को गाड़ी में ही लेकर आरोपी कार लेकर रीवा की तरफ निकल गए। रास्ते में मनगवा के आगे एक निर्जन स्थान पर उन्होंने ड्राइवर को फेंक दिया और गाड़ी लेकर भाग निकले। घटना की शिकायत गाड़ी मालिक उमेश तिवारी तथा ड्राइवर राघवेंद्र ने जीआरपी में दर्ज कराई थी। चौकी प्रभारी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने सतना से प्रयागराज तथा वाराणसी जाने वाले मार्ग पर टोल प्लाजा के कैमरे चेक किए और थानों से संपर्क किया। जीआरपी को लूटी गई कार और आई यूपी में मिली और फिर एक एक कर आरोपी भी पकड़ में आ गए। इन आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि इसके पहले उन्होंने सतना स्टेशन से एक इंडिका कार भी इसी तरह लूटी थी। इसके अलावा लोहे के सरिया से लोड एक ट्रक भी आरोपियों ने लूटा था।